हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। सेयर सेशन एनालिसिस में सबको फिशेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि हर एक नए टॉपिक पे आता हूँ, आज हम बात करेंगे कि किस तरह टैंक को जो है प्रॉपर साइकिल करते हैं। साइकिल बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं किस तरह साइकिल करना है, साइकिल क्या चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूँ, साइकिल वो चीज़ है जो पानी जो है अभी जो मैंने फ्रेशली अभी आप देख सकते हैं, ये जो है टैंक अभी न्यूली सेटअप किया है, लेकिन इसके अंदर फिशेस को मैं नहीं डाला क्योंकि ये अभी नया पानी रहता है, उसके अंदर एसिडिक ज़्यादा रहता है, अमोनिया ज़्यादा रहता है, ये फिशेस के लिए हार्मफुल होता है पानी। इसके लिए आपको साइकिल करना पड़ेगा 3 से 4 हफ्ते, सिर्फ हीटर ऑन रखें और फिल्टर ऑन रखें। ऑन रखकर कम से कम 4 हफ्ते इसी तरह विदाउट एडिंग फिश जो है आप रन करें टैंक को। जब रन होगा तो इसके अंदर जो एसिडिक रहता है वो ख़त्म हो जाएगा फिल्टर की मदद से, और बबल्स की मदद से जो एसिडिक जो नाइट्रोजन इसके रहता है निकल जाएगा और पानी जो है फिशेस के लायक बन जाएगा। साइकिलिंग का मतलब ये है कि पानी को फिशेस के लायक बनाना। अभी जो नॉर्मल जो स्टार्टिंग पानी लाकर डालते हैं, टैप वाटर हो या बिस्लरी वाटर हो या कोई भी आप बोरवेल वाटर हो, वो फिशेस के लिए सही नहीं रहता। फिशेस के लिए उसको उसके लायक बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। उसके हिसाब से बनाने के लिए उसके पीएच लेवल और अमोनिया लेवल सब मेंटेन करने के लिए 4 हफ्ते एटलीस्ट आप टैंक को सेटअप कर ले। सर अभी मैंने न्यूली सेटअप लो बजट टैंक सेटअप किया है, इसको सेटअप करके देखिए हीटर ऑन है अभी मेरा, फिल्टर भी ऑन है और एयर बबल भी ऑन है। सर आप 4 हफ्ते एटलीस्ट रन करें, रन करने के बाद उसके बाद जो पानी जो है एक मिकदार में बन जाएगा, फिशेस के लायक हो जाएगा, उसके बाद आप फिशेस को ऐड करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती मैंने इंटरनेट में देखा है, न्यू सेटअप टैंक के अंदर मैंने वीडियो में देखा है, बहुत सारे फिशेस क्या हैं इमीडिएटली टैंक सेटअप करने के बाद फिशेस को डाल देते हैं। हालांकि ब्यूटीफुल लगता है, लोगों को देखने के लिए इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है, पानी जो है फिशेस के लायक नहीं रहता। पानी में ज़्यादा एसिडिक रहता है, अमोनिया रहता है, बहुत सारे नाइट्रेट रहता है जो फिशेस को हार्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी फिशेस मर जाते हैं। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने न्यूली टैंक सेटअप में फिशेस को ऐड किया, 1 हफ्ते के अंदर या 4-5 दिन के अंदर फिशेस मर गई क्यों, या धीरे धीरे फिशेस स्लो हो सीख होती जाएंगी, बीमार होती जाएंगी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। इसलिए जानना ज़रूरी है कि प्रॉपर साइकिल करें। साइकिल का मतलब यही है कि फिशेस पानी को जो है फिशेस के लायक बनाना। इसके लिए मेहरबानी करें, आप बहुत आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी आप नया टैंक सेटअप करें तो इमीडिएटली फिशेस को मत डालिए, इस तरह पहले सेटअप कर ले, हीटर और फिल्टर ऑन रखें, 24 घंटे ऑन रखें, एटलीस्ट 4 हफ्ते इसको रन करें, उसके बाद देखिए आप फिशेस को कोई भी फिशेस को लाकर डालें, फिशेस जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, लॉन्ग लाइफ रहेगी, बहुत सालों तक आपके पास रहेगी फिशेस। बहुत से लोग साइकिलिंग नहीं करते, ऐड कर देते हैं पानी के अंदर फिशेस को, इसकी वजह से फिशेस 1 महीने में 2 महीने मर जाती है। सो प्लीज़ इस तरह साइकिलिंग कीजिए टैंक को। साइकिलिंग करने के बाद आप पानी के अंदर फिशेस को डालिए, हमें 100% श्योर है, 100% में बिलीव कीजिए, फिशेस जो है लॉन्ग लाइफ रहेगी, हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी। इसलिए वेट कीजिए, बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती कर देते हैं कि टैंक लाकर थोड़ा अर्जेंट करके टैंक के अंदर, उनको जल्दी रहती है पानी के अंदर फिशेस को डालने के लिए, जल्दी रहती है पानी के अंदर फिशेस को तैरते हुए देखना, अट्रैक्टिंग देखने के लिए उनको बहुत खुशी होती है। हालांकि अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सबर करके 4 हफ्ते एटलीस्ट इसको रन करें। रन करने के बाद जो इसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसके अंदर मर जाएंगे, उसके बाद बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिल्टर की मदद से और एयर बबल्स और हीटर की मदद से पैदा होंगे, उसके बाद फिशेस को ऐड कीजिए, उसके बाद आपकी फिशेस लॉन्ग लाइफ रहेगी, हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और लास्ट क्वेश्चन जो है, वीडियो ख़त्म करने से पहले बात कर लेता हूँ कि अगर आप इस तरह रन कर रहे हैं तो आपको मालूम कैसा करें कि टैंक जो है साइकिल हो चुकी है, फिशेस के लिए तैयार हो चुकी है, ये किस तरह मालूम करें। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले आप अगर आपके पास अमोनिया टेस्टिंग किट है तो टेस्ट कर ले, पीएच लेवल टेस्ट कर ले, पीएच लेवल जो 6.02-7.2 के करीब बीच में हो, या अमोनिया लेवल कम हो और नाइट्रेट लेवल जो है ज़ीरो होना चाहिए। नाइट्रेट लेवल ज़ीरो है तो उसका मतलब जो है टैंक साइकिल हो चुकी है, उसके बाद आप फिशेस को डाल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी 2 हफ्ते में ही हो जाए, 3 हफ्ते में ही हो जाए, कभी कभी 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसलिए आप चेक कीजिए फिशेस को ऐड करने से पहले, चेक करने के बाद आप फिशेस को, अगर आप 100% श्योर है नाइट्रेट जो है ज़ीरो लेवल है, अमोनिया कम है और पानी के अंदर जो है फिशेस के लिए रेडी है तो आप डालिए। अगर आपके पास टेस्टिंग किट नहीं है तो क्या करें, सवाल होता है कि टेस्टिंग किट जो है बहुत कॉस्टली पड़ता है, 1500-1200 रुपये पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करें। इसलिए आप बेस्ट आइडिया है कि 6 हफ्ते एटलीस्ट आप इस तरह रन करें, या 4 हफ्ते अगर किसी भी हाल से 4 हफ्ते रन करें, 4 हफ्ते में 100% जो है पानी का लेवल जो है मात्र अमोनिया का और नाइट्रेट लेवल का लो हो जाएगा, उसके बाद आप फिशेस को विदाउट टेस्टिंग ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, टिप्स जो है बहुत हेल्पफुल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप एक चीज़ का ध्यान रखें, हाइडिंग का ध्यान रखें फिशेस के, जैसा मैंने पीवीसी पाइप रखा है और शेल्स के हिसाब से अपने डीएवी शेल्स रखा है,
चल कोकोनट का शेल रखा है और जो इस तरह के पोर्ट्स रखे हैं, पीवीसी पेपर रखा है, इस तरह की प्लास्टिक प्लांट डालकर रखे, इससे फिशेस को मदद मिलती है हेल्थी रहने के लिए। तो इससे फिशेस जो है जब सिक हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उसके जाकर अपने आप को रेस्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे तो फिशेस जो है आपकी हेल्थी रहेंगी, हैप्पी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी फिशेस हेल्थी लॉन्ग लाइफ जी, आपको कोई तकलीफ ना उठाना पड़े। तो मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, मेरे ट्यूब से फॉलो कीजिए, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।